भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि आप लोगों की हत्या कर उनसे बदला लें। एक खबर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले की रामपुरहाट से है, जिसको लेकर काफी गर्मा गर्मी का माहौल अभी तक देखा जा सकता है। खबर ये है कि तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की हत्या होती है, उसके बाद ही बदला लेने के आशय से इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया जाता है। बता देते हैं कि बीते सोमवार की रात 10 से 12 घरों के दरवाजों को बंद कर घरों में आग लगा दी जाती है। आग में जलकर दो बच्चों समेत 10 लोगों की मौत तो वहीं तत्काल हो जाती है। सभी 10 मृतकों के शव उनके घर से बरामद हुए, जिसमें 7 लोगों के शव एक ही घर से पाए गए। मौके वारदात पर फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि टीम के पहुंचने से पहले ही वहां जलकर सब कुछ खाक हो चुका था। घटना कोई मामूली नहीं थी। जिले के डीएम समेत बीरभूम के तमाम बड़े अफसर भी मौके पर वहां पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी ली। इस घटना के बाद SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई, जो इस पूरी वारदात को पूरी तरह से जांच करेगी। लेकिन अब कलकत्ता हाईकोर्ट के नए फैसले से ममता बनर्जी को बहुत बड़ा झटका लगा है। फैसला ये है कि अब बंगाल पुलिस की SIT मामले की CBI को सौंप दी गई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा है कि सबूतों और घटना का असर बताता है कि राज्य की पुलिस इसकी जांच नहीं कर सकती। हाईकोर्ट ने CBI को आदेश दिया है कि वे 7 अप्रैल तक अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट फाइल करें। वहीं दूसरी तरफ लोगों का आरोप है कि पीड़ित परिवार के 10 लोगों की सोमवार रात को मौत हुई, लेकिन पुलिस 8 लोगों की मौत का ही दावा कर रही है। आरोप है कि उन 8 शवों को भी परिवार को नहीं सौंपा गया, बल्कि पुलिस ने मंगलवार देर रात शवों को दफना दिया। फिर क्या था, घटना को लेकर सियासती गर्म हवा चल पड़ी। बीरभूम में भड़की हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल के BJP सांसद ने नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह ने 72 घंटे के अंदर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने बीरभूम की घटना को लेकर बंगाल में की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस्तीफे की भी मांग कर डाली है। साथ ही राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। भाजपा ने राज्य में बढ़ती हिंसा को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार से राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग कर डाली है। वहीं रामपुरहाट अस्पताल के एक अधिकारी ने बताया कि बीरभूम जिले के बोकतोई गांव में 3 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 8 लोगों को जिंदा जलाने से पहले बुरी तरह पीटा गया था। मृतकों के शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात का खुलासा साफ हुआ। इस बात को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा कि बीरभूम जैसी हिंसा में महिलाएं सबसे अधिक असुरक्षित हैं। यह सबसे जरूरी हो जाता है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। पूरे मामले का जायजा लेते हुए महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पुलिस महानिदेशक पश्चिम बंगाल को व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए कहा गया। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आग में जल चुके घरों को सुधारने के लिए 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मरने वाले 10 लोगों के परिवार को नौकरी भी दी जाएगी। उन्होंने हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए का चेक दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने वहां मरे तृणमूल कांग्रेस के नेता भादुशेख के परिजनों से भी मुलाकात की। फिलहाल बंगाल में हुई हिंसा को लेकर अब तक लगातार गिरफ्तारियां की जा रही हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट के इस सख्त रुख के बाद अब और भी तेजी से इस मामलों की जांच चल रही है। बीरभूम में रामपुरहाट के ब्लॉक अध्यक्ष अनारुल हुसैन को पुलिस ने इस मामले में भी गिरफ्तार कर लिया है।